गाइस सबसे पहले आपको यहाँ से गूगल पे जाना है एंड एडिटिंग करने के लिए आपको सब कम सा सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है काइन मास्टर सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है। अगर आप लोग यहाँ पर सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे काइन मास्टर आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी एक आप लोग प्रीमियम वर्जन वाला डाउनलोड कर लेना एंड जब डाउनलोड हो जाए तो फिर आप लोगों को उसको ओपन कर लेना है एंड यूज़ कैसे करना है और एडिटिंग जो मैंने आपको बताया वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तब तक आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ जो अपना काइन मास्टर है वो ओपन हो चुका है। तो मेरे भाई आप लोगों को यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो यूट्यूब क्रिएटर वाला होता है इस पर आपको दबा देना होगा, ठीक है। जब आप लोग यूट्यूब वाले पर दबा दोगे मेरे भाई तो यहाँ पर आपको बोलेगा जाएगा कुछ, पहले सिलेक्ट करो मीडिया। तो यहाँ पर आपको मीडिया पर जाना है एंड बैकग्राउंड पे जाना है, ठीक है। ध्यान से सुनो, बैकग्राउंड पे जाओगे तो आपको एक ब्लैक सा वॉलपेपर देखने को मिलेगा, तो आपको इसको चूज़ कर है, ठीक है गाइस। जब तो आप लोग चूज़ कर लोगे तो आप लोगों को क्या करना है, इसका साइज है, साइज लेंथ आपको बढ़ा देना होगा थोड़ा सा, ठीक है गाइस, कम से कम एक मिनट का कर देना। एंड गाइस जैसे ही आप लोग साइज लेंथ बढ़ा दोगे तो मेरे भाई आप लोगों को क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर लेयर पे जाना है, फिर मीडिया पे जाना है, ठीक है गाइस। ध्यान से सुनना, ये स्टेप्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ से जो आपका गेम प्ले वीडियो है वो आपको ढूंढ लेना होगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैंने अपना जो गेम प्ले वीडियो है ये यहाँ पर लगा दिया है और आपको इसको फुल साइज पे बड़ा कर देना है ताकि इसको अच्छी क्वालिटी लगे। एंड उसके बाद आप मेरा वॉइस इसमें से हटा देता हूँ, आप लोग भी वॉइस हटा देना मेरे भाई। जैसे ही ये हट जाएगा तो आपको यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दे रखी है, आप लोगों को उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप लोग डाउनलोड करोगे तो ये कुछ इस तरीके का आपको वीडियो देखने को मिलेगा, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना होगा। एंड जैसे ही आप लोग डाउनलोड कर लोगे तो इससे आपको बहुत बढ़िया इफेक्ट देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यहाँ से जाना है थ्री डॉट्स पे एंड डॉट्स पे जाओगे तो लिखा होगा सेंड टू बैक, आप लोगों को सेंड टू बैक कर देना होगा। अभी आपको कुछ लग नहीं रहा होगा, ठीक है। अगर आप लोग इतना कर दोगे फिर आपको यहाँ जाना है अपने वीडियो में, वीडियो पे जाओगे गैस तो आप लोगों को यहाँ पर आपको क्रोमा की एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर आपको क्रोमा की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो इसको ऑन कर देना होगा। जैसे आप लोग क्रोम ऑन कर लोगे तो यहाँ पर आपको ब्लू वाला जो बटन होगा आपको उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है गाइस। जब हम ब्लू वाला बटन इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके का होगा। आप लोग सोचोगे यार कुछ तो लग नहीं रहा, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। तो जब आप लोग इसको दबा दोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है इफेक्ट इसको सिलेक्ट कर लेना होगा एंड आपको कुछ इतना बड़ा कर लेना है, ठीक है गाइस। जैसे ही आप लोग कर लोगे तो आपको जहाँ का भी मतलब सीन लगाना है उसको आप लोग ऐसे कट करके लगा सकते हो, बट मैं अभी एग्जांपल के लिए इसको नीचे वाले ही सीन रहने देता हूँ। एंड आप लोगों को इतना सा कर लेना होगा, ठीक है गाइस। जहाँ तक आपके जो बादल है फ्री फायर के, यार मैंने यहाँ पर गेम प्ले यूज़ किया इसलिए बादल ऊपर नीचे हो रहे हैं। आप लोग एक जगह स्थिर रोके इमोट दिखा के वीडियो बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा देखने को मिलेगा। 1 minute 37 seconds later तो यार जब आप लोग इतना सब कर लोगे तो उसके बाद आपको बस एक लास्ट स्टेप है जो आपको कर लेना है, ठीक है गाइस। सो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, आपको जाना है ऑडियो पे। ऑडियो पे जाने के बाद आपको ना जो एडिटिंग करने के लिए वीडियो सिलेक्ट मतलब ऑडियो सिलेक्ट किया है, जो आपको सॉन्ग सिलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पर सिंपली लगा देना होगा। एंड जैसे आप लोग लगाओगे तो आपको एकदम फिटेड जहाँ पर आप लोग हेडशॉट या आप लोग का इमोट होगा वहाँ पर आप लोग इसको आप लोग फिट तो आप लोग कर ही सकते हो, इसको समझाने वाली बात नहीं है। एंड जब आप लोग इतना कर लोगे तो यहाँ पर आप लोग देखो यार बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है गाइस। एंड जब आप लोग ये सब कर लोगे तो इसके बाद आप लोगों को कुछ भी छेड़ना नहीं है, सिंपल से यहाँ पर आपको एक एक्सपोर्ट का बटन दिखेगा वहाँ पर आपको दबाना है एंड अपने हिसाब से जो आपका वीडियो क्वालिटी है वीडियो FPS है वो आपको सिलेक्ट करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो आई होप आपको आज की जो वीडियो मैंने बनाई है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में मेरे भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक ले सभी लोगों को मेरे भाई गुड बाय।